आज हम आपको बताएंगे दुनिया में भगवान शिव के 6 सबसे रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर, जिनके रहस्य से वैज्ञानिक भी हैरान है। नंबर 1, काल भैरव टेम्पल वाराणसी। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव की इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात ये है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 2, स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल। गुजरात की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर कावी कम्बोई नाम की जगह पर स्तंभेश्वर महादेव नाम का प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्पटे तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात ये है कि समुद्र किनारे मौजूद होने के कारण ये मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल यह घटना चमत्कारी नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र के पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय ज्वार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है। भक्त भगवान शिव जी के दर्शन के लिए बहुत लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को द्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी को जब तारकासुर राक्षस का वध करने के बाद पता चला कि वह भगवान शिव का परम भक्त है, तो कार्तिकेय जी को बहुत दुख हुआ और उनका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी के कहने पर कार्तिकेय ने वध के स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी जगह पर आज ये मंदिर बनाया गया है। नंबर 3, बिजली महादेव टेम्पल कुल्लू। बिजली महादेव मंदिर मनाली से लगभग 60 किलोमीटर और कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहाँ से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती और भूतंग घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही यह मंदिर रहस्यमय और चमत्कारी भी है, क्योंकि इस मंदिर पर हर 12 साल बाद आकाश से बिजली गिरती है। इसी वजह से इस मंदिर को बिजली महादेव नाम दिया गया है। बिजली मंदिर के शिवलिंग के ऊपर गिरती है, जिससे शिवलिंग कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है और मंदिर का पुजारी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से जोड़कर दोबारा ठोस कर देता है। मक्खन से बने होने के कारण इसे मक्खन महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर पर होने वाले वज्रपात की पौराणिक कहानी स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगह पर कुलांत नाम का दैत्य रहा करता था और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबोकर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आए और अपने त्रिशूल से अजगर का वध किया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मंडी तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गया। कुलांत की मौत के बाद भी जब स्थानीय लोगों का डर नहीं गया तो शिवजी कुलांत के माथे पर यानी कि पहाड़ की चोटी पर बस गए और बारिश के देव इंद्र को आदेश दिया कि कुल्लू वासियों पर आने वाले सभी संकट को बिजली के रूप में उनके ऊपर गिराना। और माना जाता है कि तभी से कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने ऊपर सहते हैं। नंबर 4, कैलाश टेम्पल एलोरा। महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में मौजूद भगवान शिव का कैलाश टेम्पल एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया हिंदुओं की सबसे बड़ा मंदिर है। कैलाश टेम्पल की खास बात इस मंदिर की बनावट है, जिसे सिर्फ एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है और एक ही पत्थर पर बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी आकृति है। पुरातात्विक के अनुसार इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया होगा और इसे बनाने के लिए यहाँ से 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, ऐसा आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के होने के बाद भी ये नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए हैरानी वाली बात ये है कि हजारों साल पहले के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी
और ज्यादा ज्ञान की इस मंदिर को इतनी सुंदरता से कैसे बना लिया होगा। पुरातात्विक का मानना है कि आज की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन पत्थर को निकालकर इस तरह के मंदिर को बनाने में 100 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन यह मंदिर उस समय सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हुआ था। भगवान शिव के इस मंदिर को इसकी अनोखी बनावट के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नंबर 5, केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड। भगवान शिव के श्री केदारनाथ मंदिर को तो लगभग सभी भारतीय जानते होंगे और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत से लोगों का सपना भी होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के पास मौजूद है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही यह मंदिर अपने में बहुत से रहस्यों को भी समाये हुए है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों द्वारा बनाया गया था और एक कहानी ये भी है कि महाभारत के युद्ध में अपने कौरव भाइयों की हत्या के बाद भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे, जिसके बाद पांडव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ढूंढने काशी पहुंच गए, लेकिन शिव जी वहां से छुपकर केदारनाथ पहुंच गए। जब पांडव शिव जी का पीछा करते हुए केदारनाथ भी पहुंच गए तो भगवान शिव ने भैंस का रूप लेकर भैंसों के झुंड में छिप गए, पर भीम ने उन्हें भैंस के रूप में भी पहचान लिया तो शिव जी जमीन के नीचे समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली जिससे भैंस का मुख्य नेपाल में निकला और शिवलिंग बन गया और वहां पर श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर बनवाया गया और भैंस के पीठ का गोबर वाला हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया जो शिवलिंग बन गया। अतः इन दोनों ही स्थानों में शिवलिंग अपने आप ही बन गया। इसके बाद पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा की और यहाँ मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण में इंटरलॉकिंग तकनीक के साथ विशालकाय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और प्राचीन समय में इस तरह के मंदिर को बनाना आज भी लोगों को हैरान करती है। मंदिर की बनावट कुछ ऐसी थी कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक आए छोटे से हिमयुग में यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन बर्फ हटने के बाद भी मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। पहाड़ी में मौजूद मुश्किल रास्ता और ज्यादा बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ मंदिर को दीपावली के दूसरे दिन से 6 महीनों के लिए बंद किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि 6 महीनों के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर का दीपक तब भी निरंतर जल रहा होता है और मंदिर की सफाई भी वैसी ही होती है जैसे मंदिर को बंद करते समय थी। केदारनाथ मंदिर का चमत्कार हाल ही में 2013 में केदारनाथ में आए बाढ़ में दिखा था। यह बाढ़ इतना भयानक था कि इसमें 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई थी और आसपास के सभी इमारतें बह गई, लेकिन भगवान शिव का चमत्कार ही था कि एक विशालकाय पत्थर पानी में बहकर आया और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बट गया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। केदारनाथ मंदिर के ये सभी रहस्य और चमत्कार ही इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। नंबर 6, अचलेश्वर महादेव टेम्पल राजस्थान। राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में भगवान शिव का ऐसा चमत्कारी मंदिर मौजूद है जहां पर शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। इस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव है और इसका इतिहास किसी को भी नहीं पता कि इस मंदिर को कब और किसने बनवाया था। मंदिर में मौजूद शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम के समय सांवला हो जाता है, लेकिन शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है इसका पता नहीं चल पाया है। इस शिवलिंग की एक और खास बात ये भी है कि शिवलिंग की गहराई कितनी है इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। एक बार शिवलिंग के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी, लेकिन जमीन में बहुत नीचे तक खोदने के बाद भी जब शिवलिंग का आखिरी छोर नहीं मिल पाया तो खुदाई को बंद करवा दिया गया और ये एक रहस्य बना हुआ है कि शिवलिंग की गहराई कितनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।